सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से एक ऐसी मिठाई जो देखने में तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगी, खाने में भी आप कह उठेंगे कि क्या मिठाई है। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 5 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं, ये 10-10 वाला पैकेट है। अब मैं इनको बिस्किटों को निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैं इस तरह से ये बिस्किट निकाल देती हूँ। अब मैंने बिस्किट निकाल दिए हैं, अब मैं इन बिस्किटों को इस तरह से खोल के और इसकी क्रीम इस तरह से चाकू से इसमें रखती जाती हूँ बाउल में, और इसको इस तरह से सारे बिस्किटों की इसी तरह से ये क्रीम निकाल दूंगी अलग से, और बिस्किट अलग कर लेती हूँ सारे, और सारे बिस्किट अलग करने के बाद आपको दिखा देती हूँ फिर। अब मैंने 5 बिस्किट की क्रीम इस बाउल में निकाल दी है और बिस्किट 5 इस तरह से अलग कर लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर देती हूँ और ये बिस्किट को इस तरह से छोटा छोटा इस मिक्सी जार में छोटा छोटा तोड़ के डाल देती हूँ, इस तरह से बिल्कुल बारीक छोटा छोटा तोड़ के डाल देती हूँ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि मैं कितना छोटा छोटा सा चूरा बना दिया, ये देखिए हाथ से आराम से ही हो जाता है ये। एक एक दो दो करके, तीन तीन करके देखिए, कितनी अच्छे से देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसका चूरा हो गया है। सारे को बिस्किट को इसी तरह से मैं तोड़ के इसमें जार में डाल देती हूँ। अब मैंने बिस्किटों को इस तरह से चूरा बना लिया है, अब मैं इसको पीस के बिल्कुल बारीक पीस के आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने बिस्किटों को बिल्कुल बारीक से पीस लिया है और ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना बारीक है। अगर आपको लगा है कि आपका सही से नहीं पिसा है, मोटा पिसा है, तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन छन्नी से छानने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इनको आटे को गूंदेंगे तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बारीक से पीस लिया है मैंने। अब इसको मैं बाउल में निकाल देती हूँ। बिस्किटों को पीसने के बाद मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है इस तरह से, और अब मैं इसका एक डो बनाती हूँ। तो ये मैंने एक बाउल में मलाई ले ली है, मलाई की जगह आप दूध ले सकते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से मैंने इस तरह से इसको मिला दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि वो पतला हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये 4 से 5 टीस्पून अभी डाल दिए मलाई। अब मैं इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डाल के इसको एक डो टाइप में बना लेती हूँ, डो की तरह ही बिल्कुल इसको इकट्ठा कर लेती हूँ और डो ही बनाऊँगी, लेकिन इस मलाई को मैं धीरे धीरे से डालूंगी जिससे कि ये पतला ना हो और डो के समान ही टाइट रहे। इसी तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी। बस आप उतना ही डालें जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा ना डालें जिससे एक डो टाइप में हो जाए। अब देखिए ये डो की तरह इकट्ठा हो गया है, और ये मैंने कटोरी में मलाई ली थी वो आधी से भी कम यूज हुई है, यानी कि मुझे सिर्फ इसको बांधना था कि इस तरह से आप बांध लें इसको और फिर उसके बाद इसको यूज ना करें, बस अब इतनी आधी सी, ये 6 से 7 टीस्पून ही मेरी मलाई खर्च हुई है। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ जिससे ये बहुत ही चिकना सा हो जाए और बहुत एकदम प्यारा सा डो बन जाए चिकना सा। इसी तरह से मैं इसको गूंद लेती हूँ अच्छे से। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से एकदम चिकना हो गया है और ये डो बन गया है अच्छा सा। अब मैं इसको एक साइड ढक के रख देती हूँ इस तरह से। अब मैं इसको जब यूज करूँगी तब देखूँगी। ये मैंने एक फ्रेश नारियल लिया है, नारियल का पानी निकाल दिया है और नारियल का ब्राउन पार्ट निकाल दिया है इस तरह से। ये देखिए, ये इसका ये छिलका भी निकाल दिया और ब्राउन पार्ट भी निकाल दिया। ब्राउन पार्ट निकालने के बाद ये इस तरह से बाइट वाइट कर लिया है और इसको इस तरह से काट दिया है इस नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि मुझे इससे नारियल का बुरादा बनाना है फ्रेश। ये कच्चे नारियल का बुरादा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा होता है और इसमें से ऑयल भी नहीं निकलता है और ये बहुत ही अच्छा बुरादा बनता है, तो इसलिए मैं इसको घर पे ही बना रही हूँ। इसकी मिठाई भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अब मैंने कच्चे नारियल को बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है बिना पानी डाले। ये देखिए कच्चा नारियल कितनी अच्छी तरह से पिसा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अब मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है और गैस को चालू कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और ये मैं नारियल का बुरादा इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ इस तरह से, और लो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखूंगी ऑल ओवर टाइम। इसका फ्लेम मैं बिल्कुल भी हाई नहीं करूंगी या मीडियम नहीं करूंगी, लो पे ही इसका बुरादा बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने इसमें से सारा नारियल निकाल दिया है। अब मैं इसको इस तरह से ही चलाते हुए इसका बुरादा बनाऊंगी। गैस का फ्लेम लो है
अब इस तरह से मैं नारियल का बुरादा बना रही हूँ, तो इसी को इसी तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, और जब ये इसका पानी पूरा सूख जाएगा तब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी। तो मैं इसको इसी तरह से चलाते हुए, बिल्कुल रोकूंगी नहीं, चलाते हुए पकाऊंगी, और फिर जब पक जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। नारियल को भूनते टाइम आप या तो नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ करें, नहीं तो भारी पेंदे वाली कढ़ाई का यूज़ करें, नहीं तो इस तरह से देखिए आप, इस तरह से ये लग जाएगी। और इसको लगातार ही चलाते रहें, इसको बिल्कुल भी बंद ना करें और गैस का फ्लेम लो ही रखें। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं करेंगे तो नारियल जल जाएगा और इसका कलर भी बदल जाएगा और इसका स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं बिल्कुल पकने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए नारियल अच्छी तरह से भुन चुका है, और अब ये इसका पानी भी देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सूख चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है ये। और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, बंद करने के बाद भी कढ़ाई गर्म है, इसलिए मैं इसको लगातार इसी तरह से चलाती रहूँगी। थोड़ी देर चलाने के बाद इस नारियल को मैं दूसरी प्लेट में निकाल देती हूँ। अब मैंने नारियल के बुरादे को इस प्लेट में निकाल दिया है, ये एक कप नारियल का बुरादा मैंने ले लिया है। एक कप में मैंने दो इलायची को कूट लिया है अच्छे से, दो इलायचियों को, हरी इलायची को दो को कूट लिया है अच्छे से, और ये इसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और ये ओरियो बिस्किट की क्रीम है, इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ अभी इसी टाइम। ये मैं इस तरह से डाल दिया इसमें भी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हाथ से अच्छे से मिक्स होगा ये, इसको मैं हाथ से मिक्स कर देती हूँ इस तरह से, जिससे ये मीठा भी हो जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए और ये लड्डू की स्टफिंग बन जाए। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और कितनी अच्छी ये स्टफिंग बनी है, कि ये मैंने घर पे नारियल का बुरादा बनाया तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी, और देखिए कितना इसमें ऑयल है। अब मैं आपको लड्डू बना के दिखा देती हूँ। अब मैं इसको और भी अच्छे से चिकना बना लेती हूँ इस तरह से, ये देखिए, और अब बनाना शुरू करती हूँ अच्छे से चिकना बनाने के बाद। अब मैं आपको लड्डू बना के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक सांचा लिया है लड्डू बनाने का, जो मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। अब मैं आपको ये लड्डू बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने अच्छे से बंद कर लिया, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इस तरह से इसमें डालती जाऊँगी इस तरह से, और इसको उंगली की सहायता से इस तरह से फैलाती जाऊँगी अंदर ही अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे से इसको भर दूँगी और इस तरह से उंगली की सहायता से इसको फैलाती जाऊंगी। ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चारों तरफ से इसमें ये लेयर आनी चाहिए इसकी, चॉकलेटी लेयर। ये देखिए आप, जहाँ भी आपको लगे कि कम है इसमें और डालें, और इस तरह से लेयर बनाते जाएं। मैंने ओरियो की इस लड्डू में चारों तरफ एक लेयर बना दी है इस तरह से, और एक गड्ढा बना लिया है। इस गड्ढे में मैं इस तरह से ये स्टफिंग डालूंगी इस तरह से, और इसको पूरा फिल कर दूंगी इसी स्टफिंग से, पूरा भर के फिर आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये फिल कर दिया। अब इसको ढकने के लिए एक थोड़ा सा और पार्ट लूँगी और इसको इस तरह से ढक दूंगी, ये इस तरह से इसको पूरे को कवर कर दूंगी। पूरा कवर हो जाएगा इस तरह से, ये लड्डू ये हो गया, अच्छे से कवर कर दूंगी। अब इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी, और इस तरह से पकड़ने के बाद इसको धीरे से इसको धकेलूंगी इस तरह से, ऐसे करके, और ये देखिए वाओ क्या लड्डू बनाए। आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से पकड़ें, और ये मैंने लड्डू को अनमोल्ड कर दिया है, और देखिए आप ये कितना प्यारा लड्डू बनाए, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ और फिर आपको दिखा देती हूँ। अब मैं सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जिनके पास ये मोल्ड नहीं है तो वो घबराए नहीं, कोई बात नहीं, ये मोल्ड नहीं है तो आप इन लड्डुओं को हाथ से भी बना सकते हैं, जिस तरह से कचौरी बनाते हैं सेम उसी प्रोसीजर से इसको बना सकते हैं। लेकिन कचौरी को हम फ्लैट कर देते हैं, इनको फ्लैट ना करके गोल कर दें और लड्डू इसी तरह से बना लें, तो बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। अब इन लड्डुओं को मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से बने हैं। आपको मैं एक लड्डू आपको काट के दिखा देती हूँ इस तरह से नाइफ से, आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे काटने से ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लड्डू बना है, बन के तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए।